हेलो भाई, वेलकम टू गौरव कार्टक। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ रिनॉल्ट ट्राइवर, जो कि एक एमयूवी है और 7 सीटर एमयूवी, जिसका आपको एक शोरूम 7,78,000 पड़ता है। इस एमयूवी का आपको मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ कि आपको एक 7 सीटर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एमयूवी 7,78,000 पड़ जाती है। और इसमें एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, गाड़ी में आजकल हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, अवेयरनेस कुछ ज़्यादा आ चुकी है बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो मैं वहीं आपको दिखाता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी को लेकर इसकी, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से ग्लोबल एंड कैप पे 4-star रेटिंग मिले हुए हैं। सेफ्टी रेटिंग 4-star, इंडियन सेफेस्ट 7 सीटर ग्लोबल एंड कैप 4-star सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। और 3-star इसमें चाइल्ड मिल जाते हैं आपको। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको ग्लोबल एंड कैप पे 4-star सेफ्टी रेटिंग मिले हुए हैं ग्लोबल एंड कैप की तरफ से। तो जैसा मैंने बताया, 7,78,000 में एक MUV ले सकते हैं आप, 7 सीटर MUV, वो भी 4-star सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एंड कैप की तरफ से, और चाइल्ड आपको 3-star मिल रहे हैं। अब इस गाड़ी में हम देखते हैं कंपनी हमें रिनॉल्ट ऑफर क्या क्या कर रही है। इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, हमें इसमें मैनुअल वाइपर मिलेंगे, बीच में बोनट में आपको वॉशर देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ इस तरह का इसमें आप बोनट पे देखेंगे। अच्छा, अब इसका एक्सटीरियर स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें आपको 999 cc का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि 71 bhp और 96 nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसमें आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 20 km/l की माइलेज ARAI के थ्रू कंपनी क्लेम करती है। तो ये इसके इंजन स्पेसिफिकेशन है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक से, के लिए मिलेगा। और वहीं बीच में जब ग्रिल पाएंगे तो एक काफी बड़ा रिनॉल्ट का लोगो मिलेगा। मैट ब्लैक फिनिश बेस इंसर्ट क्रोम आपको ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। वहीं साइड में आएंगे तो आपको कुछ इस तरह की इसकी हेडलैम्प यूनिट देखने के लिए मिलेगी, ये लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए आपका हाइलोजन प्रोजेक्टर मिलेगा। यहाँ पे इंडिकेटर प्लेस किया हुआ है। अब आप बोलेंगे DRL मिसिंग है टॉप वेरियंट में, तो DRL एक सबसे अलग जगह मिलेगा हमें, यहाँ पे DRL प्लेस किया हुआ है रिनॉल्ट काइवर के अंदर, जिसके चारों तरफ आपको क्रोम वर्क भी दिखाई देगा। इंसर्ट क्रोम आपको DRL के साइड भी हाउसिंग के अंदर भी दिखाई देगा। और नीचे मैट ब्लैक फिनिश में हमें इसकी लोअर ग्रिल मिल जाएगी, मैट ब्लैक नहीं, ये भी ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। स्किट प्लेट हमें सिल्वर मिलेगी, यहाँ नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी। पूरा फ्रंट आप चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी का। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें प्लेन इसका फ्रंट फेंडर देखने के मिलेगा, ऊपर क्लाइडिंग देखने के लिए मिलेगी, और 185/65 का टायर मिलेगा, जिसके अंदर आपको 15 इंच अलॉय व्हील देखने के मिलेगा। फ्रंट हमें इसमें डिस्क मिलेगा, वहीं रेयर हमें इसमें ड्रम ब्रिक्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है तो रेयर हमको ड्रम देखने के लिए मिलेगा। वहीं ऊपर आते हैं तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश में ORBM देखने के लिए मिलेगा विद इंडिकेटर, ऑटो एडजस्टेबल और रिएक्टेबल। ए पिलर हमें इसके सेम बॉडी कलर मिलने वाले हैं। रूफ रेल्स इसके काफ़ी मस्कुलर मिलेंगे। नॉर्मल एंटीना मिलेगा। एक इसमें जो फीचर आप बोलेंगे स्टॉप वेरियंट के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर क्यों नहीं है, मैं आपको इसके इंटीरियर से पहले दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की हमें इसमें की मिलेगी, पीछे रिनॉल्ट का लोगो, यहाँ लॉक का बटन, यहाँ लॉक का ये लाइट ऑन करने के लिए, और ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। मैं इसका एक लग्जरी फीचर दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ गाड़ी लॉक कर दी, चलो इसका बूट गेट खुला हुआ था जिसकी वजह से गाड़ी लॉक नहीं पड़ती। अब गाड़ी लॉक हो चुकी है, अब गाड़ी अनलॉक नहीं है। अब की है, की मैंने नॉर्मल जेब में रख ली, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं इसे, और जैसे ही गाड़ी के नज़दीक जाऊँगा तो आप देखेंगे कि गाड़ी अनलॉक हो गई, की नहीं है मेरे पास और गाड़ी अनलॉक हो गई। तो इसमें की लेस एंट्री मिलती है, और काफ़ी रॉयल की एंट्री लेस एंट्री में मिल रही है। पीछे आपको मैट ब्लैक फिनिश में इसके बी पिलर मिलेंगे देखने के लिए। वह इंटीरियर में आए तो डुअल टोन में हमें इसका ड्राइवर डोर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरा इंटीरियर ही आप देखेंगे इसका डुअल टोन की थीम पे बनाया गया है, बेज और वाइट कलर में। अब ड्राइवर डोर स्टार्ट करें तो लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो काफ़ी ऑड लग रहा होगा आपको देखने के लिए, क्योंकि पुराने टाइम में आता था। अब ये जब हम देखते हैं बाकी लग्जरी गाड़ियों में आप देखेंगे तो मर्सिडीज BMW की सीरीज में भी आपको लॉक अनलॉक का बटन आज भी यहीं देखने के लिए मिलेगा। डोर ओपनर आपको सिल्वर मिलेगा, यहाँ आपको ORBM कंट्रोल यूनिट मिलेगी, जहाँ से सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करने होंगे। चारों पावर विंडो मिलेगी, ड्राइवर ऑटो डाउन मिल जाएगा आपको, और ग्लास लॉक अनलॉक के लिए डोर एक्सेस करने के लिए हैंडल, नीचे स्पीकर, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर इसमें प्लेस किए हुए हैं, जो कि मिल जाता है। यहाँ वाटर बोटल स्पेस, कुछ इस तरह की मैनुअल हाइट एडजस्टेबल हमें सीट मिलेगी, सेमी फैब्रिक्स जिसमें आपको एड ऑन हेडरेस्ट मिलेंगे और साइड कॉर्निंग एयरबैग्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, और आप इसे लाइन इंक्लाइन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ फ्यूल कैप खोलने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने का बटन आपको यहाँ मिलेगा। अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। वहीं बात करें स्टेयरिंग की तो कुछ इस तरह से 3-spoke स्टेयरिंग मिलेगा हमें, जिसमें नीचे सिल्वर भी देखने के लिए मिलेगा आपको, इस साइड म्यूट और फोन काट पिकअप करने के लिए और काटने के लिए, और इस साइड आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल की पूरी यूनिट मिलेगी। टोटल हमें इसमें 4 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, ड्राइवर को ड्राइवर और 2 कॉर्निंग आपको सीट्स में मिलेंगे, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं
तो टोटल 4 एयरबैग हमें इस वेरियंट के अंदर मिलने वाले हैं। और वहीं स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको टिल्ट अप डाउन मिलेगा, टेलीस्कोपिक इसके अंदर नहीं मिलेगा। साइड में आपके मैनुअल हेडलाइट एडजस्ट के बटन ऑन ऑफ के, और इस साइड मैनुअल वाइपर्स के सारे कंट्रोल। वहीं हम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑन करने के बाद आपका डिजिटली आपको आरपीएम मिलेंगे, बीच में स्पीडोमीटर मिलेगा, और यहाँ आपका इंजन टेम्परेचर गेज और ये फ्यूल गेज। फ्यूल टैंक हमें लेफ्ट साइड मिलता है, राइट साइड मिलता है, तो राइट साइड का इसमें इंडिकेशन बना हुआ है। यहाँ पे ब्रेक, हैंड ब्रेक की नोटिफिकेशन आ रही है, इंजन की नोटिफिकेशन आ रही है, और ऊपर रेनॉल्ट लिखा हुआ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ऑन करने में इसका, एक बार और दिखा देता हूँ आपको ऑन करके। ये जब गाड़ी से निकलेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ होगा, क्योंकि अभी मैंने इसका इग्निशन ऑन नहीं किया। साइड में आपको एसी वेंट मिलेगा, एसी वेंट में कुछ कुछ बेज कलर और क्रोम भी देखने के लिए मिल जाता है। डैशबोर्ड पूरा आप इसका चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है। डैशबोर्ड में आपको सिल्वर जगह जगह दिखाई देगा बेज कलर के साथ, ट्रिपल टोन में आप इसका डैशबोर्ड बोल सकते हैं। वहीं एसी वेंट दिए हुए हैं दो डैशबोर्ड में, और ग्लोव बॉक्स भी हमें इसमें डुअल देखने के लिए मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और काफ़ी स्पेसियस ग्लोव बॉक्स इसमें हमें मिल जाता है जिसमें लाइट वगैरह नहीं है। वहीं साइड में आएंगे तो तकरीबन 8 इंच का हमें इंफोटेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप देख रहे होंगे, जिसमें मीडिया सेटिंग्स पे जाएंगे। इसमें आपको एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले वगैरह तो शायद वायरलेस नहीं मिलेगा, पर ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी, GPS वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ा गलत बताया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है USB के थ्रू, वायरलेस नहीं मिलता आपको। वहीं नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफॉगर का बटन मिल जाएगा, यहाँ पार्किंग लाइट, और ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए रिनॉल्ट की हर गाड़ी में आपको साइड में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको पूरे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट मिल जाएगी देखने के लिए, यहाँ आपका AC का, टेम्परेचर का, ये फैन स्पीड कम ज़्यादा का, और यहाँ पे भी एक आपको स्विच मिल जाता है जो अंदर बार बार करने के लिए होता है, और यहाँ पे AC मोड। थोड़ा स्पेस आपको AC क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पे मिलेगा, जबकि मोस्टली गाड़ियों में हमें राइट साइड मिलता है, बट इसमें गियर कंसोल में ही हमें ऊपर की साइड यहाँ पे देखने में, जिसके चारों तरफ डायमंड क्रोम तरफ की रिंग लगी हुई है, टाइप की रिंग लगी हुई है। थोड़ा स्पेस हमें यहाँ मिल जाएगा, USB पोर्ट मिल जाएगा, एक ऑक्स पॉइंट मिल जाएगा, और थोड़ा स्पेस यहाँ भी मिल जाएगा। मैनुअल 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है। गियर कंसोल आप इसका देख सकते हैं पूरा, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और पीछे की जो ब्लोअर है उनकी स्पीड कम करने के लिए यहाँ पर आपको एक चैनल मिल जाएगा। तो पूरा आप इसका डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हैं। वहीं मैनुअल डिमिंग IR मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे स्पीकर, एक साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा, वेंटी मिरर मिल जाएगा को ड्राइवर साइड, बट लाइट नहीं है इसके अंदर। तो पूरा चेकआउट कर सकते हैं आप इसका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं पैसेंजर साइड पे। वहीं पैसेंजर डोर ओपन करते हैं तो हमें सेम डुअल टोन में बेज कलर ज़्यादा दिख रहा है, ब्लैक फिर भी कम है। यहाँ लॉक अनलॉक का बटन, डोर ओपनर सिल्वर, ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर एक्सेस करने के लिए हैंडल, यहाँ पे स्पीकर, कुछ वाटर बोटल स्पेस, और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हमें 60-40 के कॉम्बिनेशन के साथ सीट्स मिल जाएंगी। और AC वेंट इसमें आपको पैसेंजर्स के लिए यहाँ साइड में देखने के लिए मिलेंगे, और आपको कंट्रोल्स AC वेंट के यहाँ पे होंगे। दोनों साइड AC वेंट देख सकते हैं आप, स्पीकर, 60-40 का कॉम्बिनेशन, एक रीडिंग लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल मिलेंगे। अब एक बार आपको इसका थर्ड रोवर दिखा देता हूँ। वहीं थर्ड रो में एंट्री करना बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ से इसे इस तरह से सीट फोल्ड करके हम यहाँ से एंट्री इजी है थर्ड रो के लिए, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। पर 7 सीटर में आपको पता है थर्ड रो जो होती है बच्चों के लिए ही होती है, ऊपर AC वेंट मिल जाएगा, बाकी हेड रूम काफ़ी अच्छा है इसमें थर्ड रूम में, बट लेग स्पेस, लेग रूम नहीं मिलेगा, बट सीट आप लाइन इंक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, तो थोड़ा स्पेस उसकी वजह शायद बन भी जाए। एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा आपको, और थर्ड रूम में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इसमें भी आप सीट लाइन इंक्लाइन नहीं कर सकते, सेकेंड रूम में कर सकते हैं बट थर्ड रूम में नहीं कर सकते। बाकी 7 सीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए, 7 सीटर या तो आप फॉर्चूनर ले लो, उसमें भी आप थर्ड रो में बच्चे ही बैठा सकते हो, एडल्ट कोई नहीं बैठ सकता 7 सीटर में, किसी भी 7 सीटर में नहीं बैठ सकता, मैं बोलता हूँ इस चीज़ को। अब मैं एक बार इसको आपका रियर्स लुक और दिखा देता हूँ, साथ में बूट स्पेस। वहीं गाड़ी के रियर लुक पे आते हैं, कुछ इस तरह के हमें इसमें नॉर्मल बल्ब वाले टेल लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर, ये बैक लाइट आपका, रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर विद वॉशर मिल जाता है, रियर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, ये वॉशर है यहाँ पे। और नीचे आएंगे तो रिनॉल्ट का लोगो, यहाँ पे ड्राइवर की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट लाइट येलो मिलेगी, यहाँ पे रिनॉल्ट की ब्रांडिंग मिलेगी,
टोटल 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं। बाकी जो इसका रेयर बम्पर है उसमें भी आपको नीचे से बस स्किट प्लेट देखने के लिए मिलेगी। कहीं कहीं डुअल मफलर लुक देने की कोशिश की गई है इसमें, जो कि इसकी लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है पीछे से, देख सकते हैं आप। वहीं बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस तो आपको पता है 7 सीटर में यार कितना मिलेगा। ये सीट फोल्ड कर सकते हैं आप यहाँ से ऐसे, तो आपको कुछ बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर सीट फोल्ड करते हैं तो बूट स्पेस आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अदरवाइज आपको 7 सीटर में बूट स्पेस पता है कितना मिलता है कितना नहीं मिलता। यहाँ पे इन्होंने बैग भी रखा हुआ है शायद दिखाने के लिए रेनॉल्ट वालों ने कि कितना बूट स्पेस मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो भाई ये था रेनॉल्ट ड्राइवर का आपका फुल वॉक अराउंड, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों दिखाएं। कमेंट में बताएं गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आगे आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक मोटिवेट मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना ही बहुत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।